आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है, और ऐसे में जो राजनीतिक दल है वो ये जानते हैं कि कहां पर कौन सी पार्टी कमजोर है, कहां पर वो दल कमजोर है और कैसे उसे मजबूत करना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में संकल्प से सिद्धि का रास्ता चुना गया है, और बनारस में आप देख रहे हैं कि बीते दो दिनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में हैं, और लगातार वो उत्तर प्रदेश में बनारस के कायाकल्प के बारे में जनता को बता रहे हैं, विपक्ष को बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार यानी कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश में और केंद्र में किस तरह से बेहतर काम किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण, उद्घाटन, ये सारे जो दौर हैं वो हमने देखे हैं। सरकार ने उस पर बेहतर काम किया है, लेकिन सरकार ये भी जानती है कि 2022 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इतिहास ये कहता है कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे उसने कितना भी बढ़िया काम क्यों ना किया हो अपने शासनकाल में, लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाई है, और बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है। हालांकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीट जीती तो थी, लेकिन उसके बाद अभी का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा समस्याओं भरा बीजेपी के लिए है। कहा जा रहा है कि पश्चिम में किसान नाराज है, उसकी नाराजगी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो आरएलडी है या छोटे जो दल हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस बेल्ट का जो किसान है वो अपनी काफी समस्याओं से सरकार से नाराज रहा है, जिसमें गन्ना का भुगतान हो गया, जिसमें आवारा पशुओं की समस्या हो गया, जिसमें किसान मिल जैसी समस्याएं हो गई। हालांकि सरकार ने उसका भी निराकरण ढूंढ लिया, उसका भी हल ढूंढ लिया, किसान आंदोलन को स्थगित भी करवा दिया गया, लेकिन क्या इन बातों से पश्चिम के किसान या पश्चिम की जनता मान जाएगी? फिलहाल आज हम पश्चिम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर पता है कि थोड़ी बहुत समस्याएं बीजेपी को होंगी, और बीजेपी ये जानती है कि अगर उस डैमेज को कंट्रोल करना है तो हमें पूरब को संभालना बहुत जरूरी है। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल बन गया है। लगातार पूर्वांचल में चुनावी जनसभाएं, लगातार पूर्वांचल में लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम, लगातार पूर्वांचल का बखान, लगातार पूर्वांचल की जनता के लिए तोहफे, लगातार पूर्वांचल में आने वाले दिनों में होने वाली जनसभाओं का जिक्र, ये साफ साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव का प्रमुख केंद्र अगर कुछ होगा तो वो होगा पूर्वांचल। और ये सिर्फ सत्ता दल के लिए नहीं है, ये विपक्ष के लिए भी है। 160 सीटों से ज्यादा पूर्वांचल की विधानसभा सीटों पर अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का जो मैंडेट है, बीजेपी का जो अंक गणित है वो बाकी राजनीतिक दलों से ज्यादा बेहतर है। 2017 के चुनाव हो गए, या उसके पहले के चुनाव हो गए, या 19 का लोकसभा चुनाव हो गया, लेकिन उसके बाद अभी का क्या हालात है, अभी की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि अभी की स्थितियों और अभी के ही हालातों पर 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगी कि आखिर किसे वोट देना है। और सभी राजनीतिक दलों को पता है कि पश्चिम में अगर किसी भी तरह से डैमेज को कंट्रोल करना है तो पूर्वांचल को बेहतर करना पड़ेगा। इसके काम में जो है वो बीजेपी लग गई है, और इसीलिए अखिलेश यादव हो गए या फिर अन्य राजनीतिक दल हो गए समाजवादी पार्टी के साथ साथ, ये लोग भी उत्तर प्रदेश के पश्चिम को संभालने में, संवारने में और सरकार की कमियां बताने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों से बनारस में थे, उन्होंने बनारस के लिए काफी कुछ किया, उनका संसदीय क्षेत्र है, उसके बारे में उन्होंने बताया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार लगातार अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए काम कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो रथ यात्रा निकल रही है, विजय रथ यात्रा, वो भी पूर्वांचल के हिस्सों में जनता को इकट्ठा करने में, जनता का हुजूम पाने में काफी सफल रही है। आज भी देखने को मिला जौनपुर में अखिलेश यादव की रथ यात्रा पहुंच रही है, और उसके पहले जिस तरह से जनता का हुजूम उन्हें जगह जगह पर मिला है, उससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जनता अखिलेश की रथ यात्रा के साथ साथ अखिलेश को देखने के लिए सड़कों पर उमड़ रही है। लेकिन ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, चाहे बीजेपी की हो या सपा की हो,
क्योंकि दोनों ने उत्तर प्रदेश में 5-5 साल काम कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने 5 साल पहले काम किया था, लेकिन वो सत्ता में वापस नहीं हो पाए। उन्होंने भी विकास के काफी दावे किए थे। और दूसरी तरफ बीजेपी के 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उन्हें ये पता है कि कहां कहां पर उनको समस्याएं होने वाली हैं और उन समस्याओं का हल ढूंढने का काम भी शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जो है वो करने में लग गया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो है वो इतना अहमियत भरा क्यों हो गया है। इसके अलावा हम चर्चा ये भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को साधने के लिए जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आज खुलकर इस बात को कह दिया है कि 2022 के चुनाव में वो छोटे दलों के साथ जाएंगे। और कल भी उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर हैं, तो उन्होंने कहा कि अंतिम समय में लोग काशी के दौरे पर ही जाते हैं। अब इस बयान का अर्थ क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन इस बयान के बाद विपक्ष घिरा हुआ थोड़ा महसूस कर रहा है, क्योंकि बीजेपी ने इस बयान पर अपने बयान भी जारी कर दिए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अगर अखिलेश यादव जिन्ना से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में जा रहे होते तो वो काफी खुश होते, वो काशी के विकास को नहीं देख रहे हैं। जिन्ना के कार्यक्रमों में जाते तो घर घर मिठाई बंटवाते। और आज अनुराग ठाकुर ने भी इस बात को कहा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरह के बयान दे रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किनके हाथों में था। तो उत्तर प्रदेश में छोटे राजनीतिक दल, बयानबाजियां और पूर्वांचल कितना मजबूत करने में राजनीतिक दल कामयाब खुद को देख रहे हैं, और ये छोटे राजनीतिक दलों का सहारा लेकर क्या समाजवादी पार्टी या बीजेपी, क्योंकि दोनों ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की छोटे छोटे राजनीतिक दलों का साथ पकड़ा हुआ है, जिसमें हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो SBSP हो गया, महाआंदोलन हो गया, कई सारे राजनीतिक दल उनके साथ चले गए हैं। और बीजेपी की बात करी जाए तो उनके साथ भी जो हिस्सेदारी मोर्चा है जिसमें 7-8 राजनीतिक दल आते हैं वो चले गए हैं। तो इनका असर कितना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दो प्रमुख बयान सुनिए, एक अखिलेश यादव का और अनुराग ठाकुर का, उसके बाद हम इस चर्चा को, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। लेकिन बयान देने से पहले दो बार सोचना चाहिए कि किसके बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अपने से बड़ों के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सोच भी दिखाता है कि कैसे ये काशी का भी विरोध करते रहें, ये राम मंदिर का भी विरोध करते रहें, और इनकी सोच में कहीं ना कहीं ये साफ पनपता है और दर्द भी सामने दिखता है। लेकिन इतना हल्का बयान देना, किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया, 700 के लगभग किसानों ने ये जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरीके तरह तरह से कहते थे उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वही राज आता है बनारस में। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। लेकिन बयान देने से पहले दो बार सोचना चाहिए कि किसके बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अपने से बड़ों के बारे में इन शब्दों का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सोच भी दिखाता है कि कैसे ये काशी का भी विरोध करते रहें, ये राम मंदिर का भी विरोध करते रहें, और इनकी सोच में कहीं ना कहीं
ये साफ पनपता है और दर्द भी सामने दिखता है, लेकिन इतना हल्का बयान देना, किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया, 700 के लगभग किसानों ने ये जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरीके तरह तरह से कहते थे उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। 1 महीना नहीं 2 महीना 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है। तो इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। केसी जैन साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतीश शर्मा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अतीक खान SBSP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अजय सिंह साहब हमारे साथ शोषित समाज पार्टी से जो कि बीजेपी के गठबंधन में है उनसे जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों की आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। सबसे पहले जैन साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। हाँ, ये अखिलेश यादव ने कल एक बयान दिया था कि उनसे जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी काशी के दौरे पर हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के 3-4 महीने, मतलब बीजेपी के 3-4 महीने ही बचे हुए हैं और अच्छी बात है, आखिरी समय पर लोग काशी ही जाते हैं। इस बयान का अर्थ क्या है, इस बयान के मायने क्या हैं? और दूसरी चीज, आज उन्होंने ये भी बोला कि उत्तर प्रदेश में जो हम चुनाव लड़ेंगे वो छोटे राजनीतिक दलों के साथ लड़ेंगे। तो छोटे राजनीतिक दल मतलब पूर्वांचल में जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, क्या अकेले वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे? और अगर छोटे राजनीतिक दल उनके साथ जा रहे हैं तो इससे कितना नुकसान आप लोग को होगा? जी देखिए नितिन जी, पहली बात तो ये है कि एक परिपक्व नेता को जिस तरीके की बयानबाजी श्री अखिलेश यादव जी ने की बिल्कुल शोभा नहीं देता है। जी दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि आखिरी टाइम पे आपने इस भव्य काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो आखिरी टाइम पे अभी 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी उद्घाटन हुआ गोरखपुर में। इसके पहले कई जगह के जो हम सब जगहों पे हवाई अड्डा बना रहे हैं उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं, हॉस्पिटल जो हमने बना करके तैयार किए उनका भी उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम उद्घाटन करके जा रहे हैं, हम उसका लोकार्पण कर रहे हैं। हमने उसका उद्घाटन भी किया और 2019 में काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ, और आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं, आज उसकी शुरुआत हो रही है, आम पब्लिक के लिए उसको पूरा RGA पे खोला जा रहा है। इसी प्रकार से चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे अभी आप देखिए गोरखपुर में जो 10,000 करोड़ रुपए की योजनाएं हुई उसमें एम्स भी था, बंद कारखाना जो खाद खा था उसको भी शुरुआत किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फोबिया है वो सबको सता रहा है कि आप हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, आप हिंदुत्व को आगे ला रहे हैं। तो ये क्या कोई डर है क्या जो जिस डर में अखिलेश यादव बोल रहे हैं? काशी में तो आप देखिए वहां पे 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आने वाले, वहां पे पर्यटन बढ़ेगा, वहां पे लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। तो आस्था के साथ साथ इस तरीके से आम जनजीवन जो वहां का है उसको एक बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। दूसरा सवाल आपने किया, नहीं अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी क्या किसी डर से कर रहे हैं? छोटे दलों से गठबंधन करेंगे? नहीं नहीं जैन साहब, ये समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, छोटे दल बड़े दल ये कह रहे हैं लेकिन इनके साथ कौन आ रहा है ये समय बताएगा। लेकिन अभी तक लगभग 30 पूर्व MLC हमारे MLC और MLA भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अच्छा, आप देखिए जिस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2017 में बनी थी उसी समय तो उनके पास भी तो आपके सारे कई MLC आपकी सरकार में जैन साहब समाजवादी पार्टी को छोड़कर के आए। जैन साहब आवाज मिल रही है आपको ना मेरी? लगातार कई सारी पार्टियों के पूर्व MLC मैं ये कह रहा था जो वर्तमान सांसद थे नहीं जैन साहब छोड़कर के आ गए, सुन तो लीजिए। तो ये विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, ठीक है, कि हम केवल अपने परिवार में सिमटे हुए हैं और लोगों को सम्मान नहीं दे पा रहे तो लोग छोड़ करके जाएंगे ही। ठीक है सुनिए, तो सवाल तो लीजिए, पार्टी छोड़ दी, मैं ये कह रहा था अलग पार्टी बना ली। तो जो जैन साहब मैं ये कह रहा था, सवाल है जैन साहब, उसमें क्या है जैन साहब, मायावती जी ने तो स्पष्ट कर दिया था, आवाज नहीं मिल रही मेरी, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा वोट ले लिया। अरे जैन साहब सुनिए तो, का वोट अखिलेश जी ने ले लिया लेकिन जो उनका वोट था वो BSP में कन्वर्ट नहीं हुआ और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। जैन साहब नहीं तोड़ा था,
जैन साहब मैं ये कह रहा था ऐसे ही, अरे सुनिए तो भाई, जिस कांग्रेस के साथ शुरू हो गए तो शांत नहीं होंगे अखिलेश जी ने, वही कांग्रेस बुकलेट ला करके समाजवादी पार्टी को कोस रही है, उसकी एक एक बुराइयां बता रही है, उसके एक एक भ्रष्टाचार उजागर कर रही है। ठीक, फिर की तो मजबूरी है छोटे दलों से। ठीक है, ठीक है, सुनिए, सवाल लीजिए, सवाल लीजिए, सवाल तो लीजिए, सवाल तो लीजिए। मैं ये कह रहा था कि अभी आप गिना रहे थे कि कई सारे एमएलसी समाजवादी पार्टी के या दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के आपके साथ आ गए हैं, तो आपकी सरकार में पूर्व मंत्री थे एक, वो भी तो सपा के साथ चले गए हैं। देखिए, एक दो लोगों का कहीं पे जाना, हाँ, और एक बड़ी संख्या में आना, देखिए राजनीति में संख्या बल का बड़ा महत्व होता है नितिन। अच्छा, और अब अगर आप देखिए कि किसी के पांच पांच एमएलए ज्यादा है तो उसकी सरकार बन जाएगी, किसी के पांच एमएलए कम है तो उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो राजनीति में जो जनप्रतिनिधि है उनके संख्या बल का बड़ा महत्व है, तो ऐसे में एक दो लोगों का जाना और तीस लोगों का आना, ये डिफरेंस 28 लोगों का, ये क्या दर्शाता है? अच्छा, ये तो यही दर्शा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से मजबूत हो रही है। अभी इसके पहले चाहे ज्योतिराय सिंधिया आए हो, चाहे अजीत जी आए हो, और तमाम सारे लोग आए, कांग्रेस की भी कई बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और वो ओपी राजभर भी तो चले गए आपके पास से, सांसद होते हुए छोड़ करके आए। ओपी राजभर भी तो आपके पास से चले गए जी, ओपी राजभर भी तो आपके यहाँ से चले गए नाराज होके और सपा में चले गए। देखिए, उनको उनकी हैसियत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने दिया हैसियत वाली बात ना करिए। देखिए, जो उनकी ताकत उभर करके आई थी उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पिछला जो गठबंधन हुआ था उसमें उनको बहुत ज्यादा ताकत भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिली थी। लेकिन आज वो अभी इसके पहले ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि जो ओवैसी है वो भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है, और ओवैसी जी का राजभर जी का गठबंधन है, ठीक है, और राजभर जी का समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसका मतलब ओवैसी का और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन है। तो किसको ये साथ में लाएंगे, किसको छोड़ेंगे, यही तो मैं कह रहा हूं कि अभी अखिलेश जी कंफ्यूज है, और जिसी तरीके से राहुल जी कंफ्यूज हुआ करते थे लंबे समय से, अब वही स्थिति समाजवादी पार्टी की हो रही है। ठीक है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ, सतीश शर्मा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सतीश जी, जैन साहब कह रहे हैं कि अखिलेश जी कुछ कंफ्यूज चल रहे हैं, काहे का कंफ्यूजन है उनको। दूसरी चीज, कल उन्होंने एक बयान दिया था काशी को लेकर के कि आखिरी समय पर लोग काशी ही जाते हैं, इस बयान का क्या अर्थ है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अगर जिन्ना का कोई मामला होता तो आप लोग बड़े खुश रहते हैं और घर घर मिठाई बंटवाते। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सांप्रदायिकता को आगे रख के देश पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातें करके आम जनमानस को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। उनका सिर्फ ये उद्देश्य है, किसान की बात, नौजवान की बात, रोजगार की बात, दवाई की बात, पढ़ाई की बात करने से वो कतराते हैं, यही उनका मूल है। और चूंकि उनके पास जवाब देने के लिए क्यों नहीं कुछ नहीं है, पांच सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। जवाब दिया तो उन्होंने, कह रहे हैं कि कंफ्यूज है अखिलेश यादव कुछ। अखिलेश जी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, यदि अखिलेश जी कंफ्यूज होते तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके प्रधानमंत्री बनारस में डेरा न डाले होते, और उनके लोग लगातार घूम घूम कर हर तरीके से प्रयास करके लोगों को समझा के बुझा के ये ना प्रयास कर रहे हैं तो कि उनकी पार्टी के साथ आए। लोगों को यहाँ तक प्रताड़ित भी किया जा रहा है, बड़े कई नेताओं के साथ ऐसी दुर्व्यवहार हो रहा है कि वो किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये सब की चीजें किसी से नहीं छुपी हैं। कौन नेता है? बहुत सारे नेता हैं, इनका नाम लेना सार्वजनिक नहीं है, बहुत सारे लोग, आप लोग भी, आप लोग के टच में है क्या कुछ? बहुत सारे नेता हम लोग के टच में है, आप जल्दी ही देखेंगे भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में विधायक हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो ये केसी जैन साहब तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ से बहुत सारे एमएलसी हमारे यहाँ आ गए, ताकत हमारी बढ़ गई, इक्का दुक्का लोग आपके यहाँ चले गए। तो जब आप पक्ष और विपक्ष की राजनीति को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए विधान परिषद की कितनी भूमिका है। बड़े वोट बैंक को जो जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि विधान परिषद के लोगों को भेजते हैं या अन्य तरीकों से लोग पहुंचते हैं, तो विधान परिषद की वो उतनी बड़ी भूमिका आम जनमानस की, जनता की राजनीति में नहीं है। अच्छा, आज अखिलेश यादव ने कहा कि छोटे राजनीतिक दलों के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी के साथ भी तो कई सारे छोटे राजनीतिक दल गए हैं। अभी एक हिस्सेदारी मोर्चा है जो बीजेपी के साथ चला गया, उसमें 8-9 छोटे राजनीतिक दल हैं जो कि पूर्वांचल की राजनीति में काफी सक्रिय हैं, और क्या इसका नुकसान भी तो होगा ना उनके साथ? बीजेपी भाई आपके साथ है अगर सपा के साथ, तो बीजेपी के साथ भी तो है।
देखिए राजनीति में सबको गठबंधन का अधिकार है और सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना गठबंधन कर रही, समाजवादी पार्टी भी अपना गठबंधन कर रही, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो आम जनमानस की लड़ाई लड़ने के लिए है और आम जनता के जो मूल मुद्दे हैं, चाहे 69,000 भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसान की बात हो, उसकी उस बात को करने के लिए यह गठबंधन बना है। और उस बात को सरकार यदि समाजवादी पार्टी की बनेगी तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों, नौजवानों और गरीबों की आवाज को समाजवादी पार्टी जैसे ही जैसा है लगातार उठाते आई है वैसे ही लगातार उठाती रहेगी। ठीक है, कुंवर अजय सिंह हमारे साथ सोशल समाज पार्टी से हैं। अजय सिंह जी, अखिलेश जी ने आज कहा है कि छोटे राजनीतिक दलों के साथ उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव लड़ेंगे और कल उन्होंने कहा कि आखिरी समय में लोग काशी जाते हैं, आपके साथियों के लिए उन्होंने ये बात कही है, आप इस बयान को किस नजर से देखते हैं? देखिए, अखिलेश जी के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता जानती है कि जो अपने पिता के बारे में कुछ कह सकते हैं वो किसी को भी कुछ कहने के लिए बाध्य हैं। और अखिलेश जी इस समय बौखलाहट में आ गए हैं, जो हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे हमारे दोस्त साथी होते हैं, हमारा दिमाग ठीक वैसा ही होता है। जो छोटे छोटे लोगों से बात बहादुर लोगों कौन से छोटे लोग, कौन छोटे लोग? जो छोटे छोटे दल लगे छोटे लोगों की, जो छोटे दलों की ये बात करते हैं, कौन छोटे दल आए हैं? अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी में हिस्सेदारी मोर्चा और अखिलेश जी के पास भागीदारी मोर्चा, भागीदारी मोर्चा में केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। कौन कौन सी? जो भी आप जिसको उठाइए, आप नाम बताइए। हम सबसे पहले समाजवादी पार्टी को ही कहते हैं, जो बार बार मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को हम मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड मानते हैं। अच्छा, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आपके मानने से थोड़ी ना हो जाएगा जी, अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा यादव समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और जाति के नाम पे, यादव समुदाय के नाम पे केवल अखिलेश जी नहीं है, पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से बात बहादुर क्या बोल रहे थे मुझे, हम बात बहादुर दूसरी जो उनके साथ दूसरी पार्टी कौन, है कौन ये पीले गमछा वाले जो माननीय बात बहादुर राजभर जी की पार्टी है। अच्छा, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ। रही बात, हमें इन्हें भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही मानते हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उसमें बाप डायरेक्टर होता है, बेटा कोषाध्यक्ष हो गया, भांजी उपाध्यक्ष हो गई, बाबा महाध्यक्ष हो गए। आपके यहाँ भी तो निषाद समाज वाले जो आए हैं भाई, उनका भी तो यही हाल है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से होती हैं। ये लोग, मैं फिर से दोबारा आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी पार्टियां जो जाति के नाम पे पार्टियों को गठित करती हैं, इन्हें जाति से कोई मतलब नहीं है। हम इन्हें केवल अपने परिवार का विकास चाहिए, चाहे इनके बेटा बेटी भांजे दामाद आगे बढ़ते रहें और हम इनके पीछे चलते रहें। यही स्थिति को देखकर भागीदारी मोर्चा से हमारी 6 पार्टियां अलग हो गई और हम लोगों ने शोषित वंचितों की आवाज उठाने के लिए श्री बाबूलाल राजभर के नेतृत्व में शोषित समाज पार्टी का गठन करके हम लोगों ने बीजेपी से गठबंधन किया है, ताकि सभी जातियों को उसका समुचित उसका वो मिले, हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, सबका विकास हो। मोदी जी, योगी जी जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अखिलेश ने ये कहा आज, अखिलेश जी ने आज ये जो कहा कि छोटे राजनीतिक दलों के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे हम, इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? जी देखिए, आप छोटे किसको मानते हैं? हमारे नजर में तो बात बहादुर राजभर जी की पार्टी प्रदेश में। बार बार बात बहादुर क्यों कह रहे हैं भाई? केवल ये लोग बात करते हैं, इनके पास बात के अलावा कुछ है नहीं, ना तो जन समर्थन है, ना कोई ऐसी बात है। ये केवल भीड़ दिखाना, भीड़ उठाकर लाना, एक दूसरे को बड़ा बताना, ये बात से ही प्रदेश में सरकार भी बना लेते हैं, बात से ही अपनी सारी चीजें कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कि ये बात बहादुर लोग हैं, ये किसी को कुछ भी कह सकते हैं, इनको उसका हक है। ठीक है, अतीक खान हमारे साथ SBSP से हैं। अतीक, आपने सुना अजय सिंह जी की बात को, मैं उसके बारे में बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले ये कहूंगा कि अखिलेश जी का बयान आया था वो आपने सुना है और उसके बाद बीजेपी ने उस पर कटाक्ष किया,
कि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया कि अगर जिन्ना का मामला होता तो अखिलेश खुश होते हैं और घर घर मिठाई बंटती। लेकिन इन सबके बीच पूर्वांचल की बात करी जाए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं, इसके पहले आप लोग बीजेपी के साथ गए हुए थे, तो काफ़ी फायदा भी पूर्वांचल में बीजेपी को मिला था 2017 के चुनाव में। इस बार भी उसी तरह की कुछ लहर देखने को मिलेगी, या जिस तरह से ये बीजेपी या फिर उनके सहयोगी दल कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का कुछ नहीं होना, ऐसा होगा? बिल्कुल, देखिए नितिन भाई, मैं एक चीज़ बता दूं, अभी अजय सिंह साहब ओम प्रकाश राजभर जी की बुराई कर रहे थे, ठीक है, इनका जवाब तो मैं अभी ऐसे दूंगा कि दोबारा ऐसा सवाल ही नहीं करेंगे। फिलहाल मैं मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि देखिए जो समाजवादी पार्टी है या हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है, हम लोग जनता के बेसिक मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं सर। हमें किसी से फालतू की बहस नहीं करनी है, पहले हम जनता के बेसिक मुद्दों पे आते हैं। देखिए आज जौनपुर में समाजवादी विजय यात्रा के दौरान उमड़ा जन सैलाब बता रहा है कि 22 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है सर, क्योंकि ये जो लोग थे आज, ये हमारे डीएम साहब या ऐसे एसपी साहब या और भी जो सरकारी तंत्र का उपयोग करके सरकारी बसों का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का जन सैलाब ये लोग इकट्ठा करते थे, वो जन सैलाब नहीं था, ये मोहब्बत भरा जन सैलाब था। बिल्कुल, ये मोहब्बत भरा जन सैलाब था, ठीक है, और इतने लोग आज किसान मजदूर वंचित सारे लोग आज इकट्ठा थे। फिलहाल मैं आपको कुछ और बता दूं, अब आते हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, किसान मजदूर ये सब कौन है सर? हमारे ही देश के लोग हैं, जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने इतना जुल्म किया है, ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये बाहर नहीं है। मेरी बात आप सुने सर, मुझे बोलने दीजिए, एक बार मुझे बोलने दीजिए, अभी आपको मौका मिलेगा, मुझे अपनी बात रखने दें, है ना। तो ये कौन लोग हैं सर? 700 किसान मर गए, आप दौड़ा दौड़ा करके लाठियों से मार रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये बाहरी लोग नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, भाई आय तो दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, किसान क्या सब परेशान हो गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम कराने से पहले इनके पर्चे लीक हो जाते हैं, एग्ज़ाम तो होता नहीं है, पर्चे लीक हो जाते हैं, जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन छात्र करने जाते हैं तो ये पुलिस द्वारा लाठियों से पिटवाते हैं उनको। और आपको एक चीज़ और बता दूं, ये देश की संपत्तियां बेच दे रहे हैं, अगर आपको ये प्राइवेटेशन कर रहे हैं, प्राइवेटेशन का मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, पहले हम लोग डेटा 119 रुपए में डलवाते थे, आज 399। अभी मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं भाई, पूर्वांचल वाले जनता तो इसी से परेशान है, इन्हीं मुद्दों पे परेशान है, तो आज सब कुछ ये बेचते हुए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक है आप धर्म कर्म की बात कर रहे हैं, कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है आपका धर्म है आपका मजहब है आप करिए, मैं उसमें कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन साहब आप एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, आपको जो समाज के आखिरी पायदान पे बंदा बैठा हुआ है उस तक हक इंसाफ सारी चीजें, उसके जो हुकूक हैं वो सारी चीजें उसको मिलने चाहिए, ये आपका अधिकार बनता है। आप कॉरिडोर का उद्घाटन करिए, आप जो मन कहें वो करिए, आपका ये अधिकार है। लेकिन सर जो लोग परेशान हैं, जो जनताएं हमारे बीच में परेशान है, ये सब कहाँ जाएं? आप बताइए, आप देश के मुखिया हैं, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं लोगों को, लेकिन आज आप लूट मचाए हुए हैं, आपके लोग लूट मचाए हुए हैं। अब आते हैं हमारे वंचित समाज पार्टी पे, अभी भाई साहब हमारे बड़ी हमारी ये कह लीजिए बड़ाई कर लीजिए बुराई कह लीजिए कर रहे थे, मैं आपको बता बहादुर क्यों कह रहे थे? नहीं नहीं, बात बहादुर इसलिए कह रहे थे कि इनका तो कोई वजूद है नहीं, बाबूलाल राजभर जी पूरा उत्तर प्रदेश घुमाए, पूरा भारत घुमाए, किसी ने इनको लिया ही नहीं, बाबूलाल राजभर इनको किसी ने लिया, मेरे सामने मैं गवाह हूं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। आप नहीं जानते हैं, मैं आपके पार्टी का प्रवक्ता रहा हूं, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते हैं सर। बाबूलाल राजभर जी वास्तविक नेता हैं, जो किसानों के बाबूलाल राजभर पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ इसी लखनऊ में बाबूलाल राजभर जी बैठे थे। नहीं, मैं बाबूलाल राजभर पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, अखिलेश यादव जी ने इनको हटा दिया, कहा किस बिहाफ पे आए हैं, आपकी पत्नी बच्चे आपको वोट नहीं देंगे, आप पार्टी बना करके शोषित नाम रख के चले आए मेरे पास मुंह उठा करके, फिर ये गए हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के पास, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा ने से कहा साहब क्या है बात है, आपको अपने घर का एक नहीं मिलेगा। मोर्चा है कहां आपके पास? भागीदारी मोर्चा है आपके हिसाब से नहीं ना, की पार्टी लेकर के अखिलेश बता दो जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया है, जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया है, सुनने क्षमता रखिए, मैं बता रहा हूँ, हमने किसी को नहीं छोड़ा है। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जैन साहब जल्दी से पूरा कीजिए, अतीक की बात पूरी करनी है। जी जी, देखिए नितिन जी, बात जहां पे गठबंधन की हो रही है,
और साथ ही साथ विकास और काम की हो रही है। अभी हमारे सुभाषपा के साथी जो कह रहे थे कि आप वहां कॉरिडोर बना रहे हैं, जनता परेशान है। हाँ, जनता कभी परेशान हुआ करती थी, जब जनता पे इसी जनता पे फर्जी मुकदमे लादे जाते थे, वर्ग विशेष के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बाकी लोगों के ऊपर उल्टी कार्रवाई हुआ करती थी। मुख्तार अंसारी और तमाम सारे ऐसे अपराधी जो खुलेआम घुमा करते थे, आज उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा, उनको आपने बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाए। वो चाहे आजम खान जी रहे हो, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हो, चाहे गायत्री प्रजापति रहे हो, तो जनता तो ऐसे लोगों से परेशान थी ना। और आज वो 4000 अपराधी जेल में, जिनसे जनता परेशान हुआ करती थी, वो 4000 अपराधी इनकाउंटर में गिरफ्तार हुए, पुलिस की कार्रवाई में गिरफ्तार हुए, आज वो जेल में, जिनको आपने बाकायदा न्यायालय के द्वारा, सुन लीजिए, न्यायालय के न्यायालय, अरे सुनेंगे आप, सुनोगे आप, निर्दोष कौन है जिसके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित है? नहीं नहीं, देखिए हल्ला ना मचाइए, आप अभी अभी सपा में शामिल हुए, सपा की कार्यशैली को मत अपनाइए। और मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से बहन जी ने, जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, अरे सुनेंगे सुनेंगे नहीं ना, पार्टी कहती है किसी की हम बुराई ना करें, सुनेंगे नहीं ना, हल्ला बोल आप करना शुरू कर दिए। देखिए, वही पुराने जिसका साथ होगा उसका असर तो पड़ेगा। अब आपने समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा है, जनता के बुनियादी मुद्दों की बात करिए, मैं बहस करने तैयार हूं। समाजवादी पार्टी का रहा है और राम भक्तों पे गोली चलवाने का काम भी समाजवादी यही बाकी था। राम भक्तों पे क्या बाकी था? आप हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कार सेवकों पर फूल बरसाएंगे, ये क्राइम को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पे होते हुए आप उकसा रहे हैं अपने लोगों को, शर्माने चाहिए आपको। जिस तरह से उत्तर प्रदेश 2017 के पहले चल रहा था, बहुत ही शांति से चल रहा था, आपकी सरकार आते ही बिल्कुल जालीदार पे, भैया जालीदार और लुंगी वालों का पेट्रोल क्यों यूज कर रहे हैं, बता दीजिए देशों का। अगर आपको एक धर्म विशेष से इतनी दुश्मनी है तो आप उनका पेट्रोल नहीं यूज करिए, तो मैं मानू कि आप जालीदार वालों को करते हैं। वहां जाइए, बसिए, मैं क्यों जाऊँ? उसके बाद जाएगा भाई, देश सबका है, हमारा देश है, देश सबका है, किसी का नहीं, सिंगल आदमी का नहीं, देश सबका है भाई, हम यही पैदा हुए हैं। जितना आपका हक है उतना हम देंगे, वो जितना हमारा हक है, जितना आपका हक है उतना हमारा हक है। आप बोलिए ठीक है, आप बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलिए। बिल्कुल, देखिए जैन साहब, ये अजय सिंह साहब एक तो दल बदलू ये खुद है, जो खुद दल बदलू हो वो दूसरे पे इल्जाम लगाए तो समझ में नहीं आता है। ये खुद दल बदलू हमारे नेता ने जनता की भलाई के लिए दल बदला है, जनता की भलाई के लिए दल बदला है। अगर 100 दल बदलना पड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है। शोषितों, वंचितों, किसानों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों को अगर न्याय देने के लिए हमें दल बदलना पड़ा तो बिल्कुल हम दल बदलू है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई भतीजा बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मुझसे आप सुनिए, मुझसे सुनिए परिवारवाद के बारे में। परिवार नहीं है तो आप क्या करेंगे? सब तो बिना शादी शुदा है। मैं बताऊं, हमारे गृह मंत्री जी का बेटा, हमारे गृह मंत्री जी का बेटा, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है, जो जिसको बैंक पकड़ने की तमीज नहीं है उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया है। यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे राजनाथ सिंह के बेटे, उनको एमएलए बना दिया गया है, वो परिवारवाद नहीं है। और हम करें तो परिवारवाद है। इतनी सीटों के साथ गठबंधन है तो बताइए। देखिए, इस बार हम दो सीटें मिलेगी, दो सीटें पूरे वर्चस्व के साथ, पूरी जनता हमारे साथ है। दो सीटें मिलने वाली, हमें सीट नहीं मिली तब भी हम लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे कि एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी हम चुनाव लड़ेंगे। यही बात, तो दो सीटों का मिलने वाली आपको। कुंवर साहब को मैं बताऊं, देखिए इनकी ये और जिस पार्टी में ये जुड़े हुए हैं, ये सिर्फ सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करती है, ये मंदिर मस्जिद करती है,
ये हिंदू मुसलमान करती है। आप अपनी पार्टी से शोषित निकाल दीजिए सिंह साहब, आप अपनी पार्टी से शोषित निकाल दीजिए। अगर आप शोषितों की पार्टी होते तो भाजपा में न जाते, अगर आप शोषितों की पार्टी होते तो भाजपा में न जाते, आप शोषितों की पार्टी होते तो भाजपा में न जाते। शोषितों का शोषण करती है भारतीय जनता पार्टी, शोषितों का राजभर के राजकुमार लोग हैं। सुने बाबूलाल राजभर के घर का वोट इनको नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी के साथ है। मैं कह रहा हूँ कि बाबूलाल राजभर को इनके इनकी पत्नी इनके बच्चे वोट नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है। बाबूलाल जी आपके बाद बहादुर को हराने जा रहे हैं, आप परेशान साहब क्या बात कर रहे हैं, अब मेरी बात सुन लीजिए। बात बहादुर से पहले आप मेरी बात सुन ले फिर मैं बताऊँ। बात बहादुर से बराबरी बाबूलाल राजभर की करके बात बहादुर का अपमान मत करिए। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का अपमान मत करिए। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हाथी है, आपके नेता चीटी है। सुन लीजिए है ना, 2017 के पहले जो आपकी पार्टी के नेता कितने बार हारे थे और जो भी व्यवस्था थी आपके नेता की, भाई हार जीत तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। देखिए हार जीत तो सब होता, मोदी जी नहीं आ रहे क्या, आप नहीं आ रहे क्या, की स्थिति में आपकी पार्टी जा रही है। केवल बात बहादुरी करने से कुछ नहीं होने वाला है। 2022 में देश की जनता आपको दिखाएगी, 2022 में देश की जनता आपको दिखाएगी, खदेड़ा होगा, आपको भगाया जाएगा, आपको उत्तर प्रदेश से आपको केंद्र से खदेड़ा करेंगे। अजय जी से पूछ लियो आप की कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी। हाँ आप ही बता दें कितनी सीटें मिल रही आपको। अरे हम क्या बताएं, जमानत जब्त हो जाएगी अजय जी, क्या बात कर रहे हैं आप, सुन लीजिए, आप हमसे बहस करिए ना। आपके नेता दो सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं अखिलेश जी के गोद में बैठ करके। देखिए हमारे नेता की लड़ाई गरीबों की है, एक भी सीट न मिले गरीबों के हक के लिए, तब भी बाबूलाल राजभर जी को कितना सीट मिलेगा विपक्ष के नेता को हराने जा रहे हैं। बाबूलाल राजभर की जमानत जब्त हो जाएगी, बाबूलाल राजभर की पत्नी उनको वोट नहीं देगी। बाबूलाल राजभर मेरे साथ बैठे थे जब मिलने जा रहे थे तो उन्होंने कहा यार कोई मुझे ले ही नहीं रहा, हमने कहा भाजपा के बोले बैठ जाओ। बाबूलाल जी हराने जा रहे हैं लोगों को, बाबूलाल राजभर को कोई जानता नहीं, ठीक है नितिन भाई, बाबूलाल राजभर आप जानते हैं। हम बाबूलाल राजभर राम मंदिर से आप लोगों को इतनी पीड़ा क्यों है, हम पूर्वांचल समाजवादी के लोगों को राम मंदिर, बाबूलाल राजभर पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पूर्वांचल पे चर्चा कर रहा हूँ। हमें लोगों को बाबूलाल राजभर पे चर्चा नहीं कर रहा, चलिए ठीक है, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए प्लीज प्लीज, बिल्कुल चिढ़ेंगे, ठीक है हो गया, जो हमारे बराबरी के लायक नहीं है वो हमसे बराबर, ठीक है प्लीज, हो गया हो गया हो गया, बिल्कुल चिढ़ेंगे, शांत रहिए। जिंदा को क्या दिलवाना है भाई उत्तर प्रदेश से, देखिए मैं पूर्वांचल, सुनिए प्लीज, तो मिल गया हो गया, मैं पूर्वांचल के मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ, पूर्वांचल की राजनीति पर चर्चा कर रहा हूँ। जैन साहब प्लीज, मैं पूर्वांचल के मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ, पूर्वांचल की राजनीति पर चर्चा कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी को लेकर या एक व्यक्ति को लेकर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं सतीश के पास चलूंगा। सतीश, जैन साहब जैसा कह रहे हैं कि आप लोग SBSP को दो सीटों पर ही समेटने की तैयारी में हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है जैन साहब की? दूसरी चीज, पूर्वांचल में कई सारे मुद्दे हैं क्योंकि पूर्वांचल अभी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में काफी पिछड़ा हुआ है, हालांकि कोशिश बहुत करी गई है सरकारों की तरफ से कि विकासशील बनाया जाए पूर्वांचल को, लेकिन कोशिश अधूरी रही है। तो वहां पर कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे रहेंगे जो ये छोटे राजनीतिक दल अपने साथ लेकर आपके साथ आए हैं? देखिए, बाराबंकी से बलिया और अयोध्या से आजमगढ़ तक शोषित वंचितों दलितों पिछड़ों ने संकल्प बना लिया है कि वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने जा रहे हैं। और रही मुद्दों की बात, तो पूरे प्रदेश में किसानों कि जो आय इन्होंने कहा था कि दोगुनी करेंगे, वो आज हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जौनपुर में कहा भी इस चीज को कि वो आधी हो गई और महंगाई दुगनी हो गई है, कमाई आधी और महंगाई दुगनी। तो इस कमाई आधी और महंगाई दुगनी का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसानों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों ने संकल्प कर लिया है और 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जैन साहब कह रहे थे SBSP को आप लोग दो सीटों पर ही टरकाने में, देखिए SBS जहां तक रही SBSP की बात, SBSP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने कहा भी कि अगर समाजवादी पार्टी हमें एक भी सीट नहीं देगी तो हम लोग परिवर्तन के लिए शोषितों, वंचितों और विचारधारा के लिए संकल्पित होकर संकल्पित होकर हम वंचित की बात छोड़ दीजिए, अब परिवारवाद की बात, परिवारवाद की रही बात तो आप निश्चिंत सुनिए मेरी बात, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए भाई साहब, भाई साहब बिल्कुल 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 मेरी बात सुनना सीखिए। लोहिया जी की आत्मा तब तड़प रही थी जब बना
लोहिया जी की आत्मा तब तड़प रही थी जब बनारस में लड़कियों पर लाठीचार्ज हो रहा था, लोहिया जी की आत्मा तब तड़प रही थी जब बनारस के हॉस्पिटल में एक माँ अपने बच्चे को घसीटते हुए ले जा रही थी, और बाबा साहब की और लोहिया जी की आत्मा तब तड़पती है जब दलितों वंचितों पर जो है शोषण होता है, और दलित सुन लीजिए आप बात सुनिए मैं आप बात सुनिए ध्यान रखिए, दलितों बाबा साहब और लोहिया जी की आत्मा तब तड़पती है जब पूरे देश पूरे विश्व में मेरी बात सुनिए कुछ भी रख लीजिए, अरे आप जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं मैं उस मुद्दे पे बात ही नहीं करूंगा, आप मेरी बात को सुनिए मैं बताऊं बात, जब बात तब होती है जब बात तब होती है जब योगी जी की सरकार को ह्यूमन राइट कमीशन कहता है कि फर्जी एनकाउंटर करने में पूरे विश्व में सबसे नंबर एक है, जब एनसीआरबी कहता है कि बेटियों का बलात्कार शोषण होने में उत्तर प्रदेश नंबर वन है, विकास की जब बात होती है तो गरीब राज्यों में चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, ये नीति आयोग कहता है ये मैं नहीं करता हूं, और जहां तक आप हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये हम लोग लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, लोहिया जी ने कहा था कि जो भी प्रतीक चिन्ह किसी भी धर्म को प्रदर्शित करते हो हैं वो समाजवादी नहीं हो सकता, हम लोग किसी को प्रदर्शित नहीं करते, हम सबको हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, हम दलितों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, हम अम्बेडकर जी की बात करेंगे, यदि अम्बेडकर जी की बात करेंगे हम लोग लोहिया जी की बात करेंगे, और हम लोग उस लड़ाई को आगे लेके चलेंगे जिसमें दलित पिछड़ों को अधिकार मिलेगा, 70,000 शिक्षक भर्ती में आपने नौजवानों के हमारे दलित पिछड़ों भाइयों का अधिकार छीना, उसकी बात कौन करेगा, आप शोषित समाज की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, उन शोषितों केंद्रीय मंत्री हो जाए उनकी बीवी उनकी उनकी बीवी जो है बगल से एक एक लोग बोलने ज्यादा सही रहेगा, उनकी उनकी बीवी बगल से विधायक हो जाए ये परिवारवाद नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे विधायक है वो परिवारवाद नहीं है, आपको परिवारवाद समाजवादी पार्टी का दिखता है, अपने दामन में भी जाग के देखिए तब बात करिएगा। देखिए मैं पूर्ण रूप से एक बताना चाहता हूँ कि शोषितों वंचितों दलितों के नाम पर अपने परिवार का विकास करना, अपने बेटे बेटियों और राजकुमारों को आगे बढ़ाना, ये शोषितों वंचितों दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और इन परिवारों ने जो शोषितों वंचितों के नाम पे राजनीति किया अपने तो बहुत आगे चले गए पर ये शोषित वंचित जहां थे वहीं पे आगे। अब कुंवर सिंह का जवाब मैं दूंगा, आपने मौर्य जी को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना दिया, हमारे दलित पिछड़ों के नेतृत्व करने वाले मौर्य जी को आपने धोखा दिया, अजय सिंह का मैं जवाब दे दूं, जैन साहब चूंकि वो भी बैठे हुए हैं उनको भी मौका देना चाहिए, लेकिन एक बार मैं एक चीज बता दूं, देखिए बाबूलाल राजभर जी इनको सिखा के भेजे हैं, भैया कुर्सी बचाओ मेरी कुर्सी बचाओ, जा करके वहां झगड़े करते रहना, लोगों से उल्टी सीधी बहसें करते रहना, देखिए चिड़ क्यों है, बिल्कुल चिड़ है, बिल्कुल चिड़ है, आपका जब मौजूद नहीं है, जब आपका उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है बिल्कुल चिड़ है, कुंवर साहब बाबूलाल पहले आप मेरी सुन लीजिए फिर आप भाई मैं बाबूलाल राजभर पे चर्चा नहीं कर रहा प्लीज, ठीक है चुप रहिए आप, बात सुनिए आप लोग चुप रहिए, नहीं 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 प्लीज, देखिए इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, पूर्वांचल पे मैं पूर्वांचल पर चर्चा कर रहा हूँ, पूर्वांचल के मुद्दे पर मैं पूर्वांचल पे बोलता हूँ, देखिए सबसे पहली चीज आप देख लीजिए, त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले अभी पूर्वांचल में, 15% सीटें भाजपा को आई, भाजपा की आई, अब आप बताइए कुंवर साहब कहाँ थे बाबूलाल जी, कहाँ थे, 15% सीटें आई तो कहाँ थे आप लोग, हम तो अच्छे जीते, हमारी 117 सीटें आई है जिला पंचायत सदस्य में, और आपको बताऊं जिला पंचायत अध्यक्ष कई सीटों पे हमने बनाया है, ये बात अलग है, धन बल बाहुबल और बहुत सारी चीजों के बदले आपने बना लिया, अब दूसरे पे आते हैं, अब दूसरे पे आते हैं बाहुबल का स्टिंग ऑपरेशन बहुत आप बहुत कहते हैं ना, आप बहुत कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को, आप बताइए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई बंदा था कैबिनेट से इस्तीफा देने वाला तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे, कोई किया है, कोई किया है मुझे आप बताइए कुंवर साहब, अगर कोई हो तो बताइए मुझे, बाबा साहब के बाद मंत्री बनाने के लिए जिसने इस्तीफा दिया, हारे हुए बेटे को मंत्री नहीं बनाया जाता, मेरी बात सुने, मेरे आप अपनी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, अच्छा जैन साहब बोलने फिर मैं बोलता हूं, जैन साहब चूंकि काफी टाइम से आप बोले, देखिए देखिए नितिन जी, जो उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शंस होने, वास्तव में पिछले 5 साल
पूर्व बहुमत की सरकार जनता ने समाजवादी पार्टी को दी, इसके पहले बीएसपी का कार्यकाल जनता ने देखा, और हमारे लगभग 4.5-5 साल पूरे हो गए हैं, और जनता बिल्कुल मूल्यांकन करेगी इन तीनों सरकारों का कि किन सरकारों ने जनता को क्या दिया, किस में जनता संतुष्ट रहे। देखिए, रही बात विकास और डेवलपमेंट की, और आपने पूर्वांचल की कई बार चर्चा की, तो आप देखिए, अभी हमने बताया आपको 10,000 करोड़ रुपए की सौगात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी दी है, जिसका लोकार्पण किया है। देखिए, आप चुप हो जाइए, नई बात बताइए सर। देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है, आप लोग इतनी देर से बोल रहे थे, मैं चुप था, और अगर आप चाहें तो मैं बोलूं, अगर आप ना चाहें तो मैं ना बोलूं। वो हल्ला मत करिए, लास्ट डिबेट का लास्ट स्टेटमेंट है, और उसके बाद आप बोलिए धारा प्रवाह। देखिए, अभी इसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरयू परियोजना का उद्घाटन किया। इस सरयू परियोजना में 9 जिले जुड़ेंगे, 9 जिलों की नदियां जुड़ेंगी, कई सारी नदियों को एक साथ जोड़ने का भी काम किया है। जो किसानों की एक बड़ी समस्या थी सिंचाई की, उससे तो राहत मिलेगी मिलेगी, साथ में जो बाढ़ की समस्या थी उससे भी काफी हद तक राहत मिलेगी। और इन योजनाओं, जो प्रधानमंत्री जी जो योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, तो बिल्कुल जनता उसका मूल्यांकन करेगी। देखिए, अभी 50 लाख जो लोगों को आवास दिए, उनको सर्टिफिकेट दिए गए, इसके पहले देखिए 1.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मुक्त दिया गया, लगभग 1.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के ही बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए, और 3 करोड़ लोगों को मुफ्त शौचालय दिए गए, और पूरे लगभग 1.5 साल से पूरे प्रदेश की जनता को मुफ्त राशन वितरण लगातार किया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी है, उनमें से 15 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन वितरण लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इसमें भी तो आम जनता के लिए ही 12 रुपए पेट्रोल, 12 रुपए डीजल भी सस्ता किया गया। किसानों का मुद्दा तो पूर्ण रूप से खत्म ही हो गया, सारी बातें किसानों की प्रधानमंत्री जी ने मान ली, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का मेंटेन है, 4,000 से ज्यादा लोग जेल गए जिनके खिलाफ इनाम घोषित थे, उनमें से 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे फर्जी इनकाउंटर है, तो अगर फर्जी इनकाउंटर था तो न्यायालय ने उनके खिलाफ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का इनाम क्यों घोषित कर रखा था? 4-4, 5-5 साल से उनके खिलाफ NBW जारी था, लेकिन पिछली सरकार ने सुध नहीं ली कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। उन्हीं की गिरफ्तारी करने जब पुलिस जाती है और वो उल्टा फायर करते हैं, तभी इनकाउंटर की स्थिति पैदा होती है, और उसमें 100 से ज्यादा दुर्दांत इनामी बदमाश मारे गए जिनके खिलाफ पहले से इनाम घोषित था, और ये कह रहे हैं फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। तो देखिए, जनता तय करेगी वास्तव में कि जनता किससे पीड़ित थी, जनता के लिए किसने काम किया, और उसी को जनता चुनेगी, उसी की सरकार बनेगी। फर्जी इनकाउंटर नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं इनके मुद्दे का जवाब राशन पे, देखिए दो सेकंड में बोलूंगा, 2 सेकंड प्लीज, है ना, 2 सेकंड मुझे बोलने दें। राशन की बात इन्होंने की, साहब राशन को बनाने के लिए गैस लगती है, वो तो आपने 4 गुना बढ़ा दी, राशन को बनाने के लिए तेल लगता है, वो भी आपने 10 गुना बढ़ा दिया, राशन को बनाने के लिए सब्जी लगती है क्योंकि वैसे चावल खाएंगे नहीं, उसको आपने 8 गुना बढ़ा दिया है। साहब कहाँ ले जाना है आप देश प्रदेश को? जैन साहब, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और आज घर पे पूछिए जाकर के, और कुंवर सिंह साहब आप भी पूछिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। मैं आपको ये आप बोलिए कौन सा बोलिए। अरे जब जनता का जीवन ही नहीं बचेगा, जब अपराधी उनको लूट ले जाएंगे, पलायन करना पड़ेगा, गरीबी से अपराधी बनता है, महंगाई से अपराधी बनता है, चीज है जब उसके पास पैसे नहीं है क्या करेगा, चोरी डकैती करेगा। यही सोच, गंदी सोच है ये, नहीं सरकार गंदी सोच है ये। हमारे साथ के तमाम छात्र छात्राएं पढ़ते थे, ताकि मैं ऐसे कर रहा हूँ, और आज उन्होंने साफ किया, इसका मतलब नहीं कि गोली मार दूसरे को, दूसरे को गोली मार के लूट लो, दूसरे को गोली मार के लूट लो, समाजवादी पार्टी का कल्चर हो सकता है, ये कल्चर आम जनता का नहीं हो सकता है। हम जनता की भलाई के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, हम खुल के कह रहे हैं, अपराध को सही साबित करने की कोशिश मत करिए। ये प्रदेश की जनता देख रही है कि केवल विरोध करने से आपको वोट नहीं मिलने वाला,
शोषित वंचित दलितों के नाम पे झूठी राजनीति अपने बेटा बेटियों और दामाद आदि को आगे बढ़ाने से। चलिए भैया मंत्री पद छोड़ दिया, आपका सीना फाल के दिखा दो, मंत्री पद छोड़ दिया भाई साहब, चार चार पांच पद मंत्री, कैबिनेट मंत्री पद छोड़ दिया, गरीबों शोषितों वंचितों के लिए हमने मंत्रालय छोड़ दिया, साहब क्या बात कर रहे हैं, सराहना की बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है अजय जी, मेरा एक सवाल है, अभी अभी सतीश शर्मा कह रहे थे सपा से कि राजभर जी को सीट नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि हम देश को मतलब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से मुक्त कराने के लिए बिना सीट के भी सपा के साथ हैं। तो आपका क्या मंत्र है भाई, क्या बीजेपी से क्या मिला है, क्या ऐसी बातचीत हुई आपकी, क्या बिना सीट के लड़ेंगे क्या? मंत्र ये है कि शोषित वंचित दलितों की आवाज उठाने के लिए बाबूलाल राजभर जी के फिर उसी बात पे आ गए भैया, बाबूलाल राजभर है कौन, है कौन वो? प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी बना करके प्रचंड बहुमत में आप आ रहे, पहले सबका दरवाजा खटखटाया, कोई लिया नहीं, बीजेपी गोद में बैठ गए, वही बीजेपी बात बहादुर राजभर जी हैं, उनकी भी यही स्थिति है। आज ये पीला गमछा, आप पूर्वांचल पश्चिम में चले जाइए, हर व्यक्ति पीला गमछा पहन के घूम रहा है, उस बात बहादुर का दम है, बात बहादुर 2022 में आके दिखाएगा। पीला गमछा हो या नीला टोपी हो उससे हमको नहीं मतलब है, नहीं जालीदार टोपी से आपको दुख है ना, जालीदार टोपी से आपको दुख है, मतलब है। नहीं, आपको बहुत दुख है मुंडी जालीदार टोपी से, आप लोग कहते थे अब्दुल कलाम भी जालीदार टोपी से थे, मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं, हमारे वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब जालीदार टोपी से थे, आप जवाब दीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, बिल्कुल मंदिर भी बना तारीख भी बताए, और काशी विश्वनाथ विश्व का नाथ घोषित हुए, पूरा विश्व आज देखने को तैयार है, तो क्या आप क्या चाहते हो, विश्व गुरु बनने में भैया 15 दिन और बाकी है, इन्होंने कहा था विश्वनाथ लोग जाते हैं, इन्होंने कहा था 2022 में विश्व गुरु बन जाएंगे, ऐसे ही जाते थे, कौन साहब अयोध्या में गेटिंग लगा दिया गया था ना, एक सेकंड मैं और बताना चाहूंगा, माननीय अखिलेश जी के पिताजी ने अयोध्या में गोली चलवाया था, अखिलेश जी भी यही चाहते थे कि ये विश्वनाथ मंदिर का कार्य दूर ना बन पाए, तो अच्छा इसका गरीबी से क्या लेना देना है, इसका बेरोजगारी से क्या लेना देना है, इसका क्या लेना देना है गरीबी बेरोजगारी से, अखिलेश यादव जी का नाम बदल के आप लोग अयोध्या में पैदा हुए अखिलेश यादव, इसका प्रोग्राम बना चुके थे, भगवान कृष्ण मथुरा में पैदा हुए अखिलेश यादव ने इसका, अजय चलिए ठीक है ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद, समय कम है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है हो गया, समय कम है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो साथियों उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है, और ऐसे में राजनीतिक दल ये जानते हैं कि हमें कब और किस हिस्से को साधना है, और उसी को साधने में लगातार लगे भी हुए हैं, चाहे वो पूर्वांचल की बात करी जाए या पश्चिम की बात की जाए, लेकिन पूर्वांचल में कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के राजनीतिक दलों को अपने ध्यान में इस बात को भी रखना पड़ेगा कि इन मुद्दों का अगर जिक्र नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके लिए समस्याओं भरा हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं मुद्दों पर वोट देती है ऐसा देखने को भी आया है, क्योंकि अगर विकास के नाम पर वोट हुआ होता तो कई सारी सरकारें रिपीट उत्तर प्रदेश में करी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो साफ तौर पर जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी ध्यान में रखना ये राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल आज की डिबेट में इतना ही, अमित जनमति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।